और एब्सेस का केस है, दोनों में मतलब कौन सी टाइप का उसको हो गया। तो एक बच्चा है जो कि लगभग 5-6 साल का होगा, उसको इस एरिया में एक छोटा सा फुंसी हो गया और उसमें दर्द भी हो रहा है, और गार्जियन उसको लेके आया कि आंख के ऊपर है दर्द से, तो उसके वजह से डरे हुए हैं गार्जियन कि इसको कैसे ऑपरेट कराया जाएगा, फिर दिक्कत होगा। तो पेशेंट अपने दादाजी के साथ आता है बच्चा, तो आके और जैसे उसको मतलब गोद में लेके आया है और गोद में लेके आके उतारना चाह रहे थे कि अब नीचे उतर जाओ, तब तक उनको पकड़ लिया और पकड़ के चिल्लाने लगा, रोने लगा और नीचे नहीं उतर रहा। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा सेम वही कंडीशन, उसको भी कहीं फुंसी टाइप का हो गया था, तो वो भी अपने गार्जियन के साथ आया और आके उतारना जब चाहे तो आराम से उतर गया, और उतर के देख के और उसके बाद यहाँ से भागना चालू किया। तो क्लिनिक से निकल गया, भागने लगा, उसको फिर जाके पकड़े, पकड़ के ला रहे थे। तो उसको मतलब बच्चा जो है 5, 6 या 7 साल का होगा, उनको मतलब इतना कस के मार रहा था, मतलब कहीं भी मार देना गार्जियन को, लास्ट में हार्डली दांत से काट लिया उनको क्लिनिक में लाते लाते, और यहाँ तक कि गाली गलौज भी स्टार्ट कर दिया। तो दोनों को कैसे मतलब दोनों का अलग अलग रिएक्शन और प्रॉब्लम सेम, तो इसमें पेशेंट को कैसे अब समझा जाए हम लोग, थोड़ा सा आप लोगों को लगे तो बताएं। दोनों में यही बेसिक अंतर है कि एक उतरना नहीं चाह रहा था, दूसरा आराम से उतर गया गोद से और भागना स्टार्ट किया। तो ऐसे हम लोग के पास बराबर एब्सेस का केस मिलते रहता है बच्चा लोग, तो कैसे रिएक्ट करता है आपके सामने और कैसे मेडिसिन तक हम लोग पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमको पेशेंट को देखना है, पेशेंट सामने आके किस तरह से हरकत किया, कौन कौन सा रिएक्शन कर रहा है, कैसे रिएक्शन कर रहा है, उस पर मेडिसिन अगर हम लोग लिखते हैं तो बहुत जल्दी राहत मिलता है पेशेंट को। तो वहां से हम लोग समझ के तब में, क्योंकि उसके पहले हम जब इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, तो उसके पहले हम लोग के पास साइलिसिया हिपरसल्क वगैरह बहुत दवाई था, लेकिन हम लोग अप्लाई करते थे और उतना मतलब सक्सेसफुली वर्क नहीं करता। तो इसमें माइंड को देखते हुए कैसे बच्चा, दोनों बच्चा मतलब 1-2 साल का अंतर है दोनों में, तो कैसे रिएक्ट किया इसको थोड़ा सा आप लोग कुछ रूब्रिक आपको लगे तो बताइए। क्लिंगिंग है ना। तो है भले भले, हाँ, और कैरी डिजायर टू बी है। अच्छा और कुछ? फियर है सर उसको, थोड़ा उतरने में डर रहा है ना, हाँ, और मतलब स्क्रीमिंग। उनका कंधा को ऐसे पकड़ लिया, अब उतर नहीं रहा है, तो हाँ, बार वो बार बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि उतर के थोड़ा सा उतरो कि हम दिखा दें डॉक्टर साहब तुमको कहाँ तकलीफ है, उसको दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उतरने के लिए भी उतर नहीं रहा है, उनको बार बार इस तरह से कोशिश कर रहा है कि यहाँ से आप भागिए हमको लेके, तो इस हाँ, तरह से उसका रिएक्शन। स्क्रीम भी कर, स्क्रीमिंग, श्रीकिंग डिजायर, श्रीकिंग। वो बहुत ज्यादा डर गया है, डरा हुआ है कि मुझे, जैसे कि बच्चों को होता है कि इंजरी होने वाली है, कोई इंजेक्शन लगेगा या कुछ करेंगे डॉक्टर, और स्ट्रेंजर, डॉक्टर इज अ स्ट्रेंजर फॉर चाइल्ड, तो वो अत्यधिक डरा हुआ है, इसीलिए वो चिपक रहा है और छोड़ नहीं रहा पेरेंट को कि मैं, मेरे को इंजरी हो जाएगी, तो पेरेंट को चिपक गया। तो वो ये फियर ऑफ इंजरी हो गया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर, शेकिंग फियर विद, और वही क्लिंगिंग टू द पर्सन। और सर, पहला वाला तो स्ट्रेमोनिया जैसा फील आ रहा है देख के, बच्चे को समझ के,
बहुत ज्यादा डर गया, नीचे उतारेंगे तो फिर हार्म होगा मुझे, कोई इंजेक्शन या डॉक्टर टच करेंगे देखेंगे, उसको डर है इंजरी होगा, या वो उसको स्ट्रेन लग रहा है नई जगह, ये कहाँ आ गया, मैं कहाँ लेके आ गए, तो दो चीजों का डर हो सकता है बच्चे, मतलब वो नीचे नहीं उतर रहा और एकदम चिपक जाता है पेरेंट्स से कि अब आप बस मैं छोड़ूंगा नहीं, और फिर शरीक करता है डर के मारे और बाहर ले चलो, निकलो यहाँ से, बाहर ले चलो यहाँ से, मतलब हाँ इंजरी, एक सपोजिटली इंजरी होने वाली है, इसमें जाओ बाहर यहाँ से। तो ये फर्स्ट वाले में लग रहा है, सेकंड वाले में बच्चे को वो नीचे तो उतर गया बट अब उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, पहले तो उसमें आई थिंक भोलापन था उसमें, उसको पहले समझ नहीं आई, और जब आई तो बस उसको अपने पेरेंट पे विश्वास नहीं और डॉक्टर पे तो वैसे ही नहीं डर है, तो वो दौड़ गया, और जब उसको खींच खाच के ला रहे हैं तो फिर वो रिजिस्ट कर रहा है कि नहीं अब मुझे मुझे पकड़ के, ये कोई इंजरी, उसको भी फियर ऑफ इंजरी है बट उसका थोड़ा लेट है, एकदम से नहीं आया, उसको समझ आई, और फिर उसने जैसे पहला वाला बच्चा था उसको ये था कि चल मेरा पेरेंट है मैं इसको चिपक जाऊंगा ये मुझे बचाएगा, तो सेकेंड बच्चा है उसको था पेरेंट भी नहीं बचाएगा, पेरेंट जो वहां लेके आए मैं तो यहीं से खुद ही भाग लूं, और ही रैन अवे, तो वही इंजरी फियर का है। तो सर सेकेंड वाला मुझे मतलब कि लग रहा है कि वो आईएसएमएस है जो कि किसी पे विश्वास नहीं करता, बस मैं खुद पे करूंगा, और फिर वही है जैसे कि उसमें आ जाता है कि अब्यूजिव, अगर पकड़ोगे उसको और काटेगा तो उसका रिएक्शन रहता है, और फर्स्ट है मैंने। मुझे भी पहली स्ट्रामोनियम और सेकंड हायोसाइमस लग रही, क्योंकि वो उसको लग रहा है कि वो रॉन्ग प्लेस में और वहां से उसको भाग जाने का मन कर रहा है, तो जंप्स आउट ऑफ बेड एंड ट्राइज टू एस्केप, है ना, हायोसाइमस वाला, सेकंड वाले का वैसा लग रहा है। और जो लोग बताना चाहें बताएं, बहुत अच्छा आप लोग बताए, थैंक यू। इसमें रूबरी के कैसे सोचा जाएगा? क्योंकि पहले वाला पेशेंट किलिंग कर लिया, और किलिंग करने के बाद कितना भी कोशिश किया जा रहा है कि तुम दिखा लो, डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ होम्योपैथी दवाई मिलता है, मीठा वाला दवाई, गोली जो मीठी मीठी गोली होती है, उसके बाद भी वो अपना रिएक्शन छोड़ नहीं रहा है, मतलब सहमा हुआ और डरा हुआ और पकड़े हुए हैं, पहला वाला पेशेंट पकड़ के नीचे नहीं उतर रहा, उसको अभी भी डर चल रहा है, तो क्लिंग कर गया, क्लिंगिंग और पर्सन और फर्नीचर को, किसी से भी क्लिंग कर लिया, जहां उसको लाइट मिला कि यहाँ जाने से मुझे आराम मिल जाएगा, या वो डॉक्टर इंजेक्शन नहीं देंगे, या बच जाएंगे, एस्केप अटेम्प्ट टू, उसमें रूब्रिक है, एस्केप अटेम्प्ट टू, रिस्ट्रेन विथ डिफिकल्टी, उसको समझा देना, उसको मना देना, या किसी भी बात से कह के, मतलब मीठा दवाई मिलता है यहाँ, उससे भी मानता नहीं है और एस्केप अटेम्प्ट हमेशा लगे रहता है, उनको इंसिस्ट करता है कि अब यहाँ से भाग चलो किसी भी तरह, क्योंकि अपने दम पर नहीं भाग सकता है स्ट्रम। और दूसरा वाला जो हायोसाइमस का, उसमें था कि गाली गलौज बाइटिंग कर लिया, यहाँ तक कि मतलब मारने पर उतर गया, मारना चालू कर दिया, ऐसे अंदाजी ही हाथ चलाना स्टार्ट किया, कहीं लग गया कहीं टूट गया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भागने से मतलब है कि यहाँ से भाग चले, क्योंकि यहाँ लोग जो है, सराउंडिंग जो है, जबरदस्ती करेगा मेरे साथ, और जबरदस्ती करके कहीं ऑपरेशन कर दिया तो और जो है वो तकलीफ में चला जाएगा, तो इसलिए इंजुरी का उसको भी परेशानी है, उसको भी इंजुरी, दोनों में इंजुरी चल रहा है, फिर भी रिएक्शन अलग कर रहा है कि और ज्यादा इंजुरी ना हो जाए, फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड, कि और ऑपरेट कर देंगे तो और इंजुरी बढ़ जाएगा ना, तो इसके वजह से दोनों का रिएक्शन अलग अलग, इस तरह का केस काफी मिलता रहता है बच्चों में, तो हम सोचे कि आज इसको थोड़ा सा करते हैं। और दूसरा नंबर की एस्केप अटेम्प्ट टू रन अवे टू हायोसाइमस, कभी भी रन अवे हो जाएगा वहां से, और एस्ट्रामोनियम क्लिंगिंग कर जाएगा, बेसिक डिफरेंस, एस्केप अटेम्प्ट टू रन अवे टू और
एस्केप अटेम्प्ट टू सराउंडेड एंड कैप्चर्ड फ्रॉम मैन एसिड, उसको लगता है कि इसके बंधा मतलब बंधन में हम आ जाएंगे, यहाँ चार लोग हैं और हमको जबरदस्ती ऑपरेट कर देंगे तो कैप्चर कर लेंगे ना, तो उससे भागना चाहता है और भाग भी जाता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझ में आया होगा, इस तरह से अगर फाइट करने लगा उनसे, फाइट वांट्स टू बी सेकेंड वाला केस, तो फाइट भी करने लगा और अनाप शनाप गाली बकने लगा, तो एब्यूजी भी हो गया, बाइटिंग हो गया, बाइट भी कर रहा है, तो किसी भी तरह से वो ऐसा कुछ करेगा जिससे कि उसको छुटकारा मिल जाए, मारने से हो गया, बाइट करने से हो गया, या गाली बकने से भी आदमी छोड़ देता है, वो चाहता है कोई भी उपाय लगा के वहां से भागेगा, ये है साइमस, उससे बचना चाहे, आगे हम लोग सभी लोग समझते हैं। और उसको जब घर से लेके आया जाएगा तो रास्ता में पूछते रहेगा कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, वहां ऑपरेशन नहीं ना होगा या कुछ नहीं होगा, बहलाना फुसलाना पड़ता है उसे, तब कहीं होके आएगा और क्लिनिक में आके उतर के भागना स्टार्ट। अब उसको पकड़ना पड़ा, पकड़ने के बाद उस अपना रिएक्शन चालू कर दिया। तो ये छोटा छोटा केस है, यहाँ से हम लोग अच्छा से पिक कर सकते हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि फियर डार्क दोनों में है कि वहां जाएगा तो फिर आगे चल के क्या होगा, इसको लेके मन में चिंता चलते रहता है, डर लगे रहता है कि कहीं आगे चल के कुछ कर न दे, उल्टा सीधा कोई ऑपरेट भी कर दिया तो भी दिक्कत, तो दोनों के साथ ये सब घटता है और इंजुरी दोनों में चलते रहता है, इसके वजह से अपना अलग अलग रिएक्शन हमेशा देते रहते हैं। तो हम लोग इजी समझ सकते हैं, क्लिनिक में आके बैठेगा और तुरंत समझ जाएंगे कि अब इसको एस्टामोनियम देना है या हायोसाइमस देना है। तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए सर, थैंक यू, वेरी नाइस। मतलब इतने छोटे मतलब केस में और एस्टामोनियम और हाईसेमस के डीडी किए, इसलिए थैंक यू। और किसी को डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं सर से। तो वो अभी बंद किया जाए। ओके सर, बहुत अच्छा सर एक्सप्लेन किया, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर।